हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर दिनेश। आज आप लोगों को कैंथेरिस के बारे में बताएंगे। तो कैंथेरिस भी होम्योपैथिक मेडिसिन है और कैंथेरिस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है जो आप लोगों को बताएंगे। तो कैंथेरिस इतना जान जाए, कैंथेरिस जो मेडिसिन है उसका बर्निंग के केस में बहुत ही विशेष योगदान है। अब कैंथेरिस आप कहाँ यूज़ करिए उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो कैंथेरिस मेडिसिन का बहुत ज़्यादा उपयोग और बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो यूरिनरी सिस्टम पर है। मतलब कि आपके पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और बार बार पेशाब हो रही है, तो आप कैंथेरिस मेडिसिन 30 पावर ले लें। सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। दूसरी चीज़ है पेशाब के केस में, अगर आप पेशाब करते हैं और कट कट के दर्द होता है वहाँ पर, तो वहाँ भी कैंथेरिस मेडिसिन 30 पावर में दो दो बूंद 3 बार खाएं, बहुत ही बेटर काम करेगी। अब कैंथेरिस मेडिसिन जो है, अगर आपके हाथ में जलन हो, पैर में जलन हो, शरीर में हल्का कहीं जलन हो, तो उसमें भी कैंथेरिस मेडिसिन आप 30 पावर में लें। सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। अब कैंथेरिस का एक और उपयोग है, अब कहीं बैठे बैठे अनकॉन्शियस हो गए, अचानक गिर गए, मतलब कि बैठे बैठे और बेहोशी छा गए अचानक, उसमें भी कैंथेरिस मेडिसिन बहुत ही बेटर काम करती है। और कैंथेरिस का उपयोग बता रहे हैं आप लोगों को। अब जैसे आप रात में सोते हैं और आपके पैर के तलवे में बहुत ज़्यादा बर्निंग की बर्निंग प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ भी आप कैंथेरिस मेडिसिन यूज कीजिए, बहुत ही बेटर काम करेगा। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहने का मतलब है कि कैंथेरिस का तो और सारा उपयोग है, लेकिन बस आप कैंथेरिस इस वीडियो के माध्यम से अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो आप यूरिन बर्निंग जहाँ हो रही है वहाँ बस आप कैंथेरिस मेडिसिन 30 पावर में ले। यंग व्यक्ति जो है 20 साल से ऊपर, वो भी चार चार तीन तीन बूंद या चार चार बूंद सुबह दोपहर शाम या और ऐसे दो दो बूंद भी ले सकते हैं, बहुत ही बेटर काम करती है यूरिन के बर्निंग के केस में। बस इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। ऐसे तो कैंथेरिस का बहुत सारा उपयोग हम बताए थे। अब माइंड में जलन की प्रॉब्लम हो, लहर टाइप के लगे, वहाँ भी कैंथेरिस चलता है, लेकिन उस समय आपको प्रयोग नहीं करना है, वो इसे आप नज़दीक के फिजिशियन जाए वहाँ बात सलाह कर सकते हैं। लेकिन कैंथेरिस का मेन उपयोग हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि यूरिन बर्निंग। अगर पेशाब में जलन की संभावना हो और पेशाब बार बार होती हो, तो आप कैंथेरिस मेडिसिन यूज करें, क्योंकि पेशाब के केस में कैंथेरिस का कोई सहाय नहीं है। और दूसरा चीज़ एक और इम्पोर्टेंट बता रहे हैं सिम्टम कैंथेरिस का, कि अगर आप पटाखा छोड़ रहे हैं, ऐसे दिवाली आने वाली है, पटाखा आप छोड़ रहे हैं और आपका हाथ जल गया है, तो क्या करना है वहाँ पर? कैंथेरिस मदर टिंचर आप ले लें और पानी के साथ मदर टिंचर उसको 20 बूंद मिला लें पानी के साथ, और पानी के साथ मिला के वहाँ पर जहाँ पर जला हुआ उससे धो दें, और कैंथेरिस 30 पावर में दो दो घंटा पर दो दो बूंद ले लें, बहुत ही बेटर काम करती है। तो कैंथेरिस का मेन सिम्टम आप लोगों को बताएं। तो मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।